मुजफ्फरपुर डिग्री कॉलेज में छात्रों की आपसी मारपीट से बिगड़े माहौल को लेकर एबीपीपी ने कॉलेज प्रशासन को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान एबीपीपी के सीधे तौर पर कॉलेज में हो रही घटनाओं के लिए एसएफआई संगठन के साथ साथ कॉलेज प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। एबीवीपी ने पुलिस पर भी मिलीभगत होने का आरोप लगाते हुए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप चढ़ा है। पत्रकार वार्ता के दौरान एबीवीपी के सदस्य ने कहा कि कॉलेज में लड़ाई एसएफआई के कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो पुलिस में केस एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर बनाए जा रहे हैं, जो कि पूर्णतया गलत है। उन्होंने कॉलेज प्रशासन से पूछा है कि कॉलेज में दो ऐसे छात्र दाखिल हैं जिन पर पुलिस ने धारा 307 के तहत केस दर्ज है और अब भी लड़ाई झगड़ों में ये दोनों छात्र शामिल हैं। ऐसे छात्रों को कॉलेज में किस आधार पर एडमिशन दी जा रही है? उन्होंने कहा कि एसएफआई संगठन के द्वारा झूठे केस दर्ज करवाए जा रहे हैं और इन मामलों में कॉलेज प्रशासन के साथ पुलिस भी पूरा साथ दे रही है। आपदा प्रबंधन पर प्रदेश भर में करवाई गई मेगा मॉक ड्रिल के तहत कांगड़ा जिला के नूरपुर में भी भूकंप से बचाव पर राहत कार्यों का अभ्यास किया गया। मेगा मॉक ड्रिल के दौरान भूकंप के कारण स्थानीय अस्पताल की दीवार गिरने की सूचना मिलने पर बचाव पर राहत कार्यों को अंजाम दिया गया। जैसे ही भूकंप आने की सूचना प्राप्त हुई तो समस्त प्रशासनिक अमला, जिसमें एनडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों की टीमें राहत व बचाव कार्यों में जुट गई। गौरतलब है कि वीरवार को सुबह करीब 10 बजे जैसे ही भूकंप की सूचना मिली तो कुछ ही मिनटों में आपदा प्रबंधन की सभी टीमें स्टेजिंग एरिया चौगान मैदान में एकत्रित हुई तथा घटनास्थल के लिए रवाना हुई। इससे पहले पूर्वाभ्यास में ऑपरेशन सेक्शन, प्लानिंग सेक्शन, लॉजिस्टिक, स्टेजिंग क्षेत्र, फाइनेंसिंग, राहत बचाव कैंप, आपातकालीन सेवाएं बनाए गए थे, जिसमें एनडीआरएफ, गृह रक्षा, पुलिस, होमगार्ड के जवानों के द्वारा जागरूक किया गया। भूकंप के कारण बचाव, भूकंप से पहले तैयारी और भूकंप सुरक्षित क्षेत्र तक पहुंचाने और घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए बचाव के कोर्स सिखाए गए। एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि इस मॉक ड्रिल के दौरान बचाव और राहत कार्यों का अभ्यास किया गया। राहत और बचाव कार्यों का समस्त संचालन स्टेजिंग एरिया चौगान मैदान से किया गया। इस बीच भूकंप से प्रभावित लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जो लोग घायल हुए उन्हें एम्बुलेंस से स्थानीय अस्पताल में उपचार दिया गया, जबकि गंभीर घायलों को दूसरे अस्पतालों के लिए रेफर किया गया। उन्होंने कहा कि मेगा मॉक ड्रिल का मकसद सभी विभागों के द्वारा आपदा के दौरान अपनाए जाने वाले सिस्टम का आंकलन करना है। उन्होंने कहा कि इस दौरान जो कमियां उजागर हुई हैं उन्हें दुरुस्त भी करना है। एसडीएम ने बताया कि किसी भी आपदा के दौरान लोगों को अफरा तफरी न मचाकर सभी प्रकार की अफवाहों से दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मौके पर सभी को संयम से काम लेते हुए बचाव की समस्त प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए। हमीरपुर में आपदा से निपटने के लिए बाल स्कूल मैदान में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें आपदा को लेकर पूरी मॉक ड्रिल की गई। सुबह 8:45 पर हूटर बजाया गया और बस अड्डे पर भवन गिरने की सूचना मिली, जिस पर तुरंत कार्रवाई की गई और लोगों को बचाया गया। इस मौके पर डीसी हरिकेश मीणा, एसपी अजित सेन के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डीसी हरिकेश मीणा के अनुसार 5 जगहों पर जिला में मेगा मॉक ड्रिल की गई। डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने बताया कि मेगा मॉक ड्रिल को लेकर पूरी तैयारी की गई थी और 5 जगहों पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने बड़ी मुस्तैदी के साथ
एक्सरसाइज की है। उन्होंने बताया कि पूरी मॉक ड्रिल सफल रही है और कुछ कमियां सामने आई हैं जिन्हें आगामी दिनों में पूरा किया जाएगा। हरकेश मीना ने बताया कि लोगों की सहभागिता और बढ़ाने के लिए जिला स्तर पर अभियान चलाकर जागरूकता लाई जाएगी। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान श्री नैना देवी में जोरदार भूकंप आया, जैसे मंदिर के समीप लंगर भवन की इमारत गिर गई और श्रद्धालु जो बाहर खड़े थे वहां पर भगदड़ मच गई, जिस कारण काफी श्रद्धालु घायल हुए हैं और लोगों का रेस्क्यू पुलिस और होमगार्ड के जवानों के द्वारा किया गया। श्रद्धालुओं को स्ट्रेचर में डालकर मंदिर न्यास के स्टेडियम में पहुंचाया गया और स्टेडियम को घायलों के प्राथमिक उपचार के लिए केंद्र नियुक्त किया गया, जहां पर सभी घायलों को तुरंत पहुंचाया गया और उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टर के द्वारा चेकअप करने के बाद घायलों को समीपवर्ती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गवांडल भेजा गया, जबकि जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से आनंदपुर साहिब हॉस्पिटल और बिलासपुर हॉस्पिटल भेजा गया। ये मॉक ड्रिल सुबह 6 बजे आयोजित की गई, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। इसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम, होमगार्ड की टीम और पुलिस विभाग की टीम, लोक निर्माण विभाग, पेयजल आपूर्ति विभाग, विद्युत विभाग और वन विभाग की टीमों ने भाग लिया। अगर कभी भूकंप आता है तो लोगों को कैसे बचाना है और श्रद्धालु व स्थानीय लोगों को किस तरह से तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करना है, इसकी रिहर्सल की गई। इस मॉक ड्रिल की अध्यक्षता मंदिर अधिकारी हुसैन चंद ने की, जिसमें डीएसपी संजय शर्मा, मंदिर न्यास अधीक्षक रामकिशन शर्मा, लंगर इंचार्ज अनिल शर्मा, डॉक्टर वाई आर रवि और कनिष्ठ अभियंता लोक निर्माण विभाग राजेंद्र कुमार ठाकुर, कनिष्ठ अभियंता पेयजल आपूर्ति विभाग एवं अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।